मुजफ्फरपुर में AES की आखिर सच्चाई क्या? आंकड़ों में फंस गया स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से बढ़ती गर्मी के साथ AES और जापानी इंसेफ्लाइटिस का खतरा बढ़ने लगा है। लेकिन इस सब के बीच अब आंकड़े को लेकर सवाल उठने लगा है। दरअसल मुजफ्फरपुर में AES को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग आंकड़ों में उलझ गया है। दरअसल मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कह रहे हैं कि AES के अब तक एक भी मरीज नहीं मिले हैं। वहीं DPRO कमल सिंह ने बताया कि अब तक 4 मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें एक की मौत हो गई है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मुजफ्फरपुर में AES का वास्तविक स्थिति क्या है। DPRO कह रहे हैं कि जनवरी महीने में सीतामढ़ी में एक बच्चे की मौत हुई है। वहीं सिविल सर्जन कह रहे हैं कि अब तक जनवरी में ही सिर्फ एक मरीज मिले थे। हालांकि अब तक SKMCH का जो रिपोर्ट सामने आया है, उसमें 4 मरीजों की बात सामने आई है, जिसमें एक की मौत हुई। चमकी बुखार के ये सभी मरीज जनवरी माह में मिले थे। सिर्फ एक मरीज को मार्च में डिस्चार्ज किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ अब तक अपडेट है? देखिए, AES के लिए अपडेट हमारे पास ये है कि सबसे बड़ा जो मेजर जो हमारी कैपेसिटी है, वो 100 बेड का हॉस्पिटल SKMCH में बना हुआ है। वहाँ पर बजाबते AC है और ऑक्सीजन की सप्लाई है और IV फ्लूड की व्यवस्था है, मैंने आइसोलेटेड है, 100 बेड वहाँ पर है। इसके बाद हमारे सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में, यहाँ पर हम लोग 10 बेड बनाए हुए हैं, जो जिसमें AC भी लगा हुआ है और सारी व्यवस्था है। इसके अलावा जितने भी हमारे PSC हैं, CSC हैं, इन सब में 2-2 बेड लगा हुआ है, वहाँ भी AC का व्यवस्था है और सारी चीज़ों की व्यवस्था है। तो अपडेट अभी यही हुआ है और फिलहाल आज के डेट तक तो मैं ही कह सकता हूँ कि AES का कोई भी केस अभी तक नहीं आया है। जो भी आप लोगों के द्वारा या कहीं और से न्यूज मिला है कि एक बच्चा मर गया है, तो ऐसी बात नहीं है, ये कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, ये इसको भ्रामक समझिए, कहीं कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, जनवरी में एक पारू का बच्चा इस तरह से आया था, लेकिन वो भी AES का केस नहीं था। मामूली कुछ बुखार आई होगी, कन्वर्सन हुआ होगा, लेकिन वो भी AES का केस नहीं हुआ, GE का केस नहीं हुआ। तो फिलहाल अभी तक तो हम यही समझ रहे हैं। रह गई बात ट्रेनिंग का, तो नहीं यार, ये कहीं कहा जा रहा है कि अब तक एक भी मौत नहीं हुई और जिला प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि मौत हुई, क्या कुछ आंकड़ा है? देखिए, AES या चमकी बुखार प्रत्येक साल इसका प्रकोप होता है। इस बार ही हम लोग जनवरी माह से ही इस पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनज़र बहुत ही प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सभी पदाधिकारी अब पंचायतों में और वार्डों में निकलने लगे हैं। 385 पंचायतों को गोद लिया जा चुका है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग खासकर जिलाधिकारी के द्वारा की जा रही है। ये प्रभावी चिकित्सीय व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, साथ ही साथ सभी आवश्यक दवाइयों का भी इंतजाम है, सभी आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध हैं। सारे PSC में हमारे AES वार्ड सहित अभी लगभग 250 से ऊपर AES वार्ड स्पेशली हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो कुल मिला जुला करके तैयारियाँ इस कदर है कि हम लोग इस प्रकोप का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम हो पाएंगे। अब तक कितने मरीज हैं इस साल? यदि हम जनवरी माह से बात करें तो जनवरी माह से लेकर के अभी तक 3 AES नोन और 1 AES नोन मरीज भर्ती हुए थे SKMCH में, जिसमें कि अदर ज़िले के भी थे। मुजफ्फरपुर ज़िला का एक मरीज था पारू का, जो डिस्चार्ज होकर चला गया। आज के डेट में एक भी मरीज भर्ती नहीं है SKMCH में, तहन अस्पतालों में भी। और आपको जनवरी से लेकर अभी तक की बात करें तो जनवरी माह में एक मौत हुई थी, आज के डेट में किसी भी तरह का कोई मौत नहीं है और स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। और हम समझते हैं कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के परस्पर समन्वय से AES पर पुनः कंट्रोल करने की दिशा में हम कामयाब होंगे।